हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले गोभी आलू और मटर से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है, जिसके अंदर कि मैंने डाला है हाफ कप जितना ऑयल, और इसके अंदर अभी हम डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, जिसे कि मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है। तो अभी हमें इसको डीप फ्राई करना है, तो हमें इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है, ताकि जो आलू है वो पूरी तरह से इसी के अंदर कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी आलू ये फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल कर लेंगे, और उसी ऑयल के अंदर अभी हमें फ्लावर डालना है। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर को भी थोड़ा बड़ा बड़ा काट कर लिया है, और अभी हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इन सब्जियों को फ्राई करने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह से नमक के पानी में डिबो कर लिया था। तो किसी भी सब्ज़ी को यूज़ करने से पहले उसको अच्छी तरह से धो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी ये गोभी फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसको निकाल कर लेंगे, और अभी उसी कढ़ाई के अंदर का मैंने बाकी का ऑयल निकाल दिया है, और बस 3 टेबलस्पून जितना ही ऑयल इसके अंदर रखा है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे राई। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितनी राई ली है, और 1/2 टीस्पून जितना ही हम लोग इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। और अभी हम जीरा को और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी राई चटकने लगी है। तो अभी हमें इसके अंदर डालनी है हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ में 7-8 लहसुन की कलियों को मैंने थोड़ा सा बारीक कूट कर लिया है। और अभी हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और अभी लहसुन बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है, तो अभी हमें इसके अंदर डालना है टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 1 टमाटर को बारीक ग्राइंड कर लिया है, जिससे कि हम इसके अंदर डाल देंगे। और अभी हम टमाटर को भी बहुत ही अच्छी तरह से भून कर लेंगे। टमाटर को हम लोग जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे, सब्जी की टेस्ट उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी टमाटर बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अभी हमें इसके अंदर डालना है मटर। तो मैं यहाँ पे फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मटर को स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पर अभी हमने फ्रेश मटर लिए हैं, तो इसको भी हमें अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून कर लेंगे, और 1 मिनट बाद ये थोड़े से भून तो चुके हैं, पर अभी तक इसका कच्चापन नहीं गया है, तो इसीलिए हमें इसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है, और इसको ऐसे ही आधे मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी आधे मिनट बाद आप लोग देख सकते हो अभी ये कुक हो चुके हैं। तो अभी हमें इसके अंदर मसाला ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून जितना, हल्दी पाउडर डालेंगे हम लोग इसके अंदर 1/4 टीस्पून जितनी, और अभी हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला। तो 1 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला लिया है, और अभी हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून कर लेंगे। हमें मसालों का जो कच्चापन है वो निकालना है। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे आलू, जिसे कि हम लोगों ने फ्राई कर लिया है, फ्लावर जिसे कि हमने फ्राई कर लिया है, और अभी फ्लावर को और आलू को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको इस स्टेज पे इसके अंदर नमक ऐड करना है, और नमक डालने के बाद में हमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अभी हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना ही पानी इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी पकी हुई है, तो हमें इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और पानी डालने के बाद में हम इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, 2 मिनट बाद अभी हम इसका ढक्कन निकालेंगे। तो अभी आप देख सकते हो सब्ज़ियाँ पूरी तरह से पक चुकी हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो अभी हमें इसके अंदर डालना है फ्रेश धनिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया को बारीक काट कर लिया है, और इसके अंदर ऐड किया है। और धनिया डालने के बाद में अभी हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसके अंदर एक टमाटर डाल रही हूँ, जिसे कि मैंने बारीक थोड़ा सा काट कर लिया है। तो आप चाहो तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा दिखने के लिए अच्छा दिखे, इसीलिए मैंने एक टमाटर को इसके अंदर ऐड किया है। और अभी टमाटर को हम लोग थोड़ा सा भुनेंगे, और इसको ढककर फिर से पकाएंगे आधे मिनट के लिए। टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसलिए उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी देर पकाने के बाद में मैंने उसका ढक्कन निकाल लिया है,
और आप लोग देख सकते हो अभी टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी रेडी है सर्व करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।